जय जिनेंद्र, मैं हूँ समता। तो आज आपके सामने आई हूँ न्यू अल्फाबेट्स के साथ न्यू स्वस्तिक लेके। लास्ट टाइम हमने ए बी सी डी ये चार अल्फाबेट्स स्वस्तिक बनाना सीखा था, तो इस बार आपके सामने ई एफ और जी एच के साथ हम स्वस्तिक बनाएंगे। तो देखिए ई से हम स्वस्तिक कैसे बनाते हैं। ई शेप में ही हमने चावल रख दिए हैं और अब हम ये ई का जो तो ई शेप से स्वस्तिक बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 ये देखिए ये हमारा स्वस्तिक बन गया है। इसी तरह हम इधर सेंटर में भी बनाएंगे। इसको हमें थोड़ा शेप देते हुए ही बनाना है ताकि वो स्वस्तिक दिखे। अगेन लास्ट में तो इस ई में हमारे तीन स्वस्तिक बन चुके हैं और इधर इसी तरह हमें राउंड करके शेप देना है। तो ये देखिए हो गया हमारे ई से स्वस्तिक। एफ शेप में हमें स्वस्तिक इसी तरह जैसे हमने ई में बनाया था उसी तरह बनाना है। 1, 2, 3, 4 लास्ट में ये हमारे तीन स्वस्तिक इधर बन चुके हैं और यही भी हमें जैसे हमने ई में किया था उसी तरह इधर डिजाइन देनी है। ये हमारा हो गया एफ शेप में स्वस्तिक। अब देखिए जी शेप में स्वस्तिक कैसे बनाते हैं। हमें ये जो जी शेप में चावल रखती हैं यहाँ पे हमें थोड़ा पार्टीशन करेंगे। 1, 2, 3, 4 ये देखिए इस प्रकार। अभी हमें स्वस्तिक बनाएंगे छोटे छोटे। 1, 2 कंटिन्यू स्वस्तिक आएंगे। 3, 4 और 5 जितने हमने कट्स लिए थे उतने स्वस्तिक हमारे आ चुके हैं। क्योंकि हमें यहाँ से डिजाइन स्टार्ट करनी है इसके लिए एक स्वस्तिक हमारे इधर भी आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा जी शेप का स्वस्तिक हो गया। और अब हेच शेप में स्वस्तिक हमें कैसे बनाना है। ये देखिए हेच शेप में चावल रखती है और अभी इसे हम इस प्रकार बीच में से लेंगे। 1, 2, 3 एंड 4 ये देखा आपने यहाँ से लिया मैंने 1 ये यहीं से स्टार्ट कर लिया। ये वापस हमने इधर से 3rd लिया और 4th लाइन यहीं से स्टार्ट कर दी। ये बन गया ना हमारा स्वस्तिक। तो अब इसे हम इस प्रकार डिजाइन देंगे जिगजैग। ये हो गया जिगजैग 1, 2, 3 कर्व्स। तो इसी प्रकार हम इधर भी ऐसे ही लेना है 1, 2, 3 कर्व्स ये और ये सेम आएंगे। और इस जैसे कि हमने इधर इस प्रकार लाइन ली थी इसी प्रकार हमें इधर ऑपोजिट में एक लाइन लेनी है ऐसे। जैसे हमने ये लिया था इसी प्रकार ऑपोजिट से हमें ये लाइन लेनी। ये देखिए आवाज मत कर नहीं करूँ ठीक है।